अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं दोस्तों? कल जो है वो बड़ा शानदार मैच रहा पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पिशावर जलमी ने जो है पहले बैटिंग की, 169 स्कोर किया, स्कोर ठीक ठाक था, मगर कहीं ना कहीं से बॉलिंग में थोड़ा सा वो पीछे रह गए, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है आई थिंक वो भी चेस करने में हमेशा से काफ़ी अच्छी टीम रही है, चाहे उनके पास पॉल स्टर्लिंग हो आयरलैंड के, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो। और सबसे जो मैंने जो पॉजिटिव चीज़ मुझे कल नज़र आई, शादाब खान का अपना खुद का परफॉर्मेंस करना। वो कल एक तो वापस आए क्योंकि उनको इंजरी का शिकार थे, वो लास्ट मैच में खेल नहीं सके थे, कल वो खुद आए, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी की उनकी और उनकी तरफ से, उसके बाद बैटिंग में भी खुद ऊपर से आना, फ्रंट से लीड करना, तो काफ़ी एक अच्छे साइन है पाकिस्तान के फ्यूचर परस्पेक्टिव के हवाले से कि पाकिस्तान के जो लोकल स्टार्स हैं वो इनफिट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 169 स्कोर किया कामरान अकमल, बड़े मैच के प्लेयर हैं, कामरान अकमल हो गए, फखर जमान हो गए, ठीक हो गया। तो मैंने इसी तरह से कामरान अकमल काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, शुएब मलिक ने काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 50 उन्होंने भी बनाई, दोनों ने 50 स्कोर किए, काफ़ी सीजन प्लेयर है। हैदर अली को चाहे थोड़ा सा नीचे लेके आए थे, उनके पास आई थिंक उनको ऊपर आप रखते वन डाउन पे, सेकंड डाउन पे, तो शायद कहने के भी स्कोर थोड़ा सा 15-20 रन एडअप हो सकते थे, मगर फिर भी 169 अच्छा स्कोर था इस पिच पे। मगर हेड्स ऑफ टू एलेक्स हेल, उनका फिर वापस आना, पहले चले गए थे लीग छोड़ के फिर वापस आए, तो उन्होंने साबित किया कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। उन्होंने काफ़ी क्रूशल इनिंग खेली, मैच विनिंग इनफैक्ट इनिंग खेली। फहीम अशरफ का जो है ना वो आखिर में आके हार्ड हिटिंग करना, देखिए हमारे पास फहीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब खान हैं, ये काफ़ी अच्छे जो हैं बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। तो मैंने फहीम अशरफ ने वही साबित किया, पहले भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं PSL में, उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रह रही है इस पर्टिकुलर सीज़न में। और उसके बाद वहाब रियाज के काफ़ी एक्सपेंसिव बॉलिंग रही, कैप्टन थे वो, 4 ओवरों में 50+ उन्होंने रन दे दिए। सलमान इरशाद जो हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे आज़ाद कश्मीर से आते हैं उनका ताल्लुक है, और काफ़ी अच्छे लंबे कद के बॉलर हैं, थोड़ा स्लिंगिंग उनका एक्शन है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। देखिए पाकिस्तान की यही PSL की यही खूबसूरती कि जो पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट है वो उभरते हुए सामने आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीजन की बात करें तो जमान खान हो गए लाहौर कलर की तरफ से, सलमान इरशाद हो गए पिशावर जलमी की तरफ से, इसी तरह से कुछ और भी कुछ काफ़ी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। हारिस की बात करें पिशावर जलमी की तरफ से, काफ़ी यंग टैलेंट है, तो मैंने कहा ये जो पर्टिकुलर PSL 7 रहा है ये पाकिस्तानी लोकल टैलेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैंने गुड लक टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, हम तो इस्लामाबाद में हैं तो उनको भी हम सपोर्ट हम कल कर रहे थे पिशावर जलमी के लिए। मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अच्छी टीम थी उनकी काफ़ी, मैं कहीं ना कहीं से कल थोड़ा सा ओवर जो एग्रेसिव था इस्लामाबाद यूनाइटेड रहा, और टेक्निकली वो थोड़ा से बेहतर रहे पिशावर जलमी से, जिनकी वजह से वो कल जीत गए। देखना पड़ेगा कि लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन जीतता है, वो मुल्तान सुल्तान के साथ जो चैंपियन से PSL 6 के उनके साथ फाइनल खेलते हैं। तो मैं गुड लक टू मैन बोथ ऑफ टीम एंड आई मीन थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।